बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम रेसिपी फूड। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के हुक्म से अपने अपने घरों में। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो भिंडी और मिर्ची की रेसिपी बना रहे हैं। तो हमने इसका जो साइड वाला हिस्सा होता है दोनों का, भिंडी का काट लिया अच्छे तरीके से और उसको हम ऐसे बीच में से कट लगा देंगे। आप देख सकते हैं, देखें इस तरीके से हमने कट लगा के फिर एक दूसरी प्लेट में हम रखते जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो देखें व्यूअर्स, सारी हमने भिंडी को कट लगा दिए। उसके बाद ये ग्रीन चिली आपके सामने है, यानी हरी मिर्च, इसको भी हमने कट लगा दिए लगाएं। इसमें भी अंदर हम खटाई पाउडर जो है वो फिल करेंगे, उसके बाद बिल्कुल प्रोसेस आपको हम बताएंगे। अच्छा, खटाई पाउडर की मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई है, बिल्कुल जो फ्रेश कैरियाँ होती हैं उसमें से, उसकी वीडियो भी मैं आई बटन में दे दूंगा। कि इसमें मसाले जो हम डालेंगे वो आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आधा टीस्पून लाल मिर्च ले लिए, डेढ़ टीस्पून हमने खटाई पाउडर ले लिया है और धनिया पाउडर ले लिया है आधा टीस्पून। उसके बाद काली मिर्च ले लिए आधा टीस्पून, हल्दी ले लिए आधा टीस्पून और दूसरी ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये भी आधा टीस्पून ले लिया हमने। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मसालों को। और तो देखें, प्यारी सी इस प्याली में सारे मसाले हम मिक्स करेंगे। मसाले हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इन भिंडियों में अपने मसाले जो हैं वो फिल करेंगे। ये देखें, ये हमने मसाला उठा दिया, फिर इसको जो है ऐसे करके अंदर इसमें फिल करते जाएंगे, फिर इस तरीके से इसको रखते जाएंगे। इसके बिल्कुल अंदर जैसे मसाला जाना चाहिए, देखें। तो व्यूअर्स, ये खटाई पाउडर है, इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा, वरना मैं आई बटन में दे दूंगा। तो ये देखें, मिर्ची को अच्छे तरीके से धो लिया है, इसको हमने कट लगा दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस मिर्ची में ये जो सारी खटाई पाउडर है खाली डालना है हमने, इस तरीके से भर भर के डालना है, देख सकते हैं आप। बहुत ही इजी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, देख सकते हैं वीडियो में अपना मसाला जो है हमने अच्छे तरीके से फिल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत देखें आप। उसके बाद हरी मिर्चियों में भी अपना जो खटाई पाउडर है अपना फिल कर दिया हमने। तो अभी जो है अपना बेसन को हम गूंदेंगे अच्छे तरीके से। तो एक प्याली हमने बेसन की ले लिए, एक प्यारे से बाउल में वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसन ऐड करने के बाद इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे आपको वो हम दिखा दें। सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे इसमें आधा टीस्पून, उसके बाद काली मिर्च हम डालेंगे आधा टीस्पून, उसके बाद जीरा इसमें डालेंगे आधा टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे आधा टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे एक टीस्पून, नमक डालेंगे हसबे जायका, उसके बाद ये रेड चिली पाउडर हमने डालेंगे थोड़ी सी, आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम है। उसके बाद इसमें हम जो है ये सोडा डालेंगे आधा टीस्पून से ये कम है। तो सारी चीज़ें इस हम प्यारे से बाउल में जिसमें मैदा पड़ा हुआ है उसमें ये ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। पानी आपने जो ऐड करना है वो धीरे धीरे ऐड करना है, देख सकते हैं आधा कप हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हमने अभी रख दिया है क्योंकि ये जब थोड़ा सा गूंद जाएगा तो उसके बाद हम दूसरा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो देखें, आधा कप हम फिर इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा बच गया है वो बचा के रख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा। कम हो जाए कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नाप जो हमने पानी की ली थी वो तो हमने पूरी ली थी। अच्छे तरीके से इसको गूंदेंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान है। जो हमारे चैनल पर व्यूअर्स नए हैं तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो। तो देखिए व्यूअर्स, चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हमने अपना बेसन जो है गूंद चुके हैं अच्छे तरीके से। और अब हमारे पास जो है विसल भी था, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है चूल्हे पर, आप देख सकते हैं व्यूअर्स। उसके बाद हम इसमें एक कप ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, चेक करते हैं। ये देखें, अभी हम इसको थोड़ा सा अंदर ऐसे दबा रहे हैं, फिर आराम से इसको निकाल के अपने जो है ऑयल में डालते जाएंगे। तो देखें, एक साइड पक चुकी है, अभी इसकी हम दूसरी साइड भी पकाएंगे इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा पलटी करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये भिंडियों के पकोड़े बनते हैं, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त भिंडियों के पकोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, मेरे अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की शान, माशाल्लाह।
भिंडियों को पकाना है अंदर तक, जैसे ये पक जाए मीडियम आंच में आपने इसको भिंडियों को पकाना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, अभी हम इसको निकालेंगे ये छन्नी की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त भिंडी के पकोड़े बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ची हमारी बिल्कुल रेडी है, पहले से ही हमने अपने बेसन में मिर्ची को डुबो के रखा था, अभी हम इसको डालते जाएंगे अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच में आपने इसको पकाना है ताकि मिर्ची आपकी जो है अच्छे तरीके से वो पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें मिर्ची के पकौड़े भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल मीडियम आंच में हमने इसको पकाया है, अंदर से भी ये पक चुके हैं। तो अभी इसको हम डिश आउट करेंगे और मज़ेदार चावलों के साथ इसको अभी खाएंगे। तो आप भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इनका लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख सकते हैं आप, ये देखें मेरे अल्लाह पाक की कुदरत। ज़रूर देखें, बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपी आपके लिए लाया करेंगे और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद करूंगा। अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले, अल्लाह पाक आपके खानों में और आपके कारोबार में बरकत डालेगा। जज़ाकअल्लाह, चैनल को और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।